एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भी लग्न के जातक हैं, वो अपने जातक और जाति का अपने लग्न को अगर मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए इसके पहले हमने आपको सरल तरीके से जो उपाय बताया था कि जो भी लग्न बनता है उसके जो स्वामी बनता है उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, कि लग्न हमारा व्यक्तित्व होता है तो वो मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए और भी जातक और जातिका ने ये जानने की कोशिश की है कि अगर और भी कोई तरीका है, अगर हम नग्न ही पहनना चाहते हैं तो क्या सरल तरीका है, अगर हमारा लग्न जो है मुख्य ग्रह कहलाता है, कि यहाँ पे मुख्य ग्रह को मजबूत करने की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक तो एक तरीका ये होता है कि आप उसका नग पहनिए, वो हमारे अप्रोच से बाहर होता है और उसकी हमें कोई गारंटी नहीं रहती है कि वो अच्छा है और टेस्टेड है या वो प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है, तो उसका असर नहीं हो पाता है। तो आप हमें क्या करना चाहिए, तो एक तो हमने तरीका बताया कि मुख्य ग्रह जो लग्न भाव में जो भी राशि बनती है उसको मुख्य ग्रह कहते हैं, तो उसको बलवान करने के लिए आपको उसके मंत्रों के जाप करना चाहिए, 108 बार करना चाहिए। तो उसकी श्रृंखला में अगर उसका अल्टरनेट जो है वो ये हो सकता है कि आप जो है अगर पर्यावरण के प्रेमी हो या आप बागवानी या और ऐसे शौक रखते हैं, तो आपको पेड़ पौधों के द्वारा किस तरह से उनको लगा के भी मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। यदि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नंबर जो मुख्य एक नंबर की जो लग्न बन रहा है वो एक मेष राशि है और लग्न में बैठी है। जो भी लग्न है आपके जो भी जातक और जातिका है, वो आप अपनी कुंडली में देखें कि जो लग्न है उसमें जो राशि है, जैसे यहाँ पे एक नंबर की मेष राशि, उसका स्वामी मंगल बना, तो अब मंगल ग्रह आपका मुख्य ग्रह हो गया, तो अब मुख्य ग्रह भी आपको मालूम हो गया, तो मुख्य ग्रह को आप कैसा मजबूत करें, तो एक तरीका मंत्रों का है। दूसरा तरीका है कि आप पेड़ लगा सकते हैं, और वो जो भी पेड़ लगाएं वो तो उसमें आप अगर यहाँ एक नंबर और आठ नंबर मेष राशि में या वृश्चिक राशि है, तो आपका जो मुख्य ग्रह है मंगल हो गया है, तो आपको अनार का पेड़ लगाना चाहिए। तो मंगल मुख्य ग्रह होने पे आपको अनार का पेड़ लगाना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे, मान लो यहाँ पांच नंबर की राशि है तो आपका मुख्य ग्रह सूर्य हो जाएगा, तो सूर्य के लिए आपको बेल का वृक्ष लगाना चाहिए। इसके पश्चात यहाँ चार नंबर अगर लग्न में आता है तो मुख्य ग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा, तो चंद्रमा के लिए आपको खिरनी के पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इसके पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ तीन नंबर की राशि हो लग्न में या छह नंबर की राशि हो, तो आपका मुख्य ग्रह हो जाएगा बुध, तो ऐसी स्थिति में आपको संतरा नींबू मौसम्बी के पेड़ लगाना चाहिए। इसके पश्चात हम बात करेंगे नौ नंबर और बारह नंबर जो है मुख्य ग्रह आपका गुरु हो जाता है, तो गुरु के लिए केले का पेड़ लगाना चाहिए, उसकी पूजा भी हमने बताया, पूजा भी करते हैं, तो इस तरह से आपको केले का पेड़ लगाना चाहिए। उसके पश्चात हम बात करेंगे वृषभ और तुला राशि का, अगर यहाँ पे दो नंबर और सात नंबर का लग्न बनता है तो आपका मुख्य ग्रह हो गया शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए आपको आम और पपीते के पेड़ लगाने से भी फायदा होगा और मुख्य ग्रह आपका मजबूत होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ 10 और 11 नंबर की राशि आती है तो 10 और 11 का जो स्वामी बनता है शनि, तो आपका मुख्य ग्रह हो जाएगा शनि, शनि ग्रह हो जाएंगे, शनिदेव हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको नीम का पेड़ लगाना चाहिए। तो इस तरह आपने देखा कि जो भी आपका मुख्य ग्रह है उसको आप मंत्रों से कितने सरल तरीके से मंत्रों के जाप करके भी 108 बार प्रतिदिन करके भी उसको मजबूत किया जाता है। इसी प्रकार मुख्य ग्रह अगर जो भी लग्न बने हमने उसके बताया और उन ग्रहों से संबंधित जो वृक्ष बताया है वो आप जरूर लगाइए, और साथ साथ में उनके फलों को भी आप खा सकते हैं जिससे कि वो ग्रह आपका मजबूत हो सके। तो आज हमने सरल तरीके से बताया कि मुख्य ग्रह को किस
तरह से आप मजबूत कर सकते हैं और उसके इस तरह से फलों वृक्षों के द्वारा आज आपको जानकारी दी कि आपके मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सकता है। आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो मामूली दक्षिणा देके टेलीफोन से आप परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, वीडियो देखा, लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।